इंस्टाग्राम से न्यू अपडेट आ गया है। अगर आप इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप वॉच कीजिएगा क्योंकि इस 2023 में बहुत ही ज़्यादा अपडेट आए हुए इंस्टाग्राम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आज के टाइम इंस्टाग्राम पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं कंपेरिजन टू द फेसबुक, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी आप रील्स बना के या पोस्ट डाल के ज़्यादा इंगेजमेंट ला के आप अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इंस्टाग्राम के अकाउंट पे वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वो नए नए अपडेट्स क्या है जिसको आप यूज करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़्यादा ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा अपने पेज को ग्रो करके आप अपने चैनल को अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप अपना पेज प्रमोशन करके आप पैसा अर्निंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इंस्टाग्राम पर सिंपली आप इंस्टाग्राम पर आते हैं एंड आपको अपने आना प्रोफाइल पर, एंड सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली में जो अपडेट आया है कि अगर आपके अकाउंट्स पे इंस्टाग्राम पेज पे या अकाउंट आपका जो भी पब्लिक अकाउंट है अगर उस पर आपका 10, 20, 50 या 1 लाख फॉलोअर्स है तो आप वहाँ पे ना बैज ले सकते हैं, ग्रीन बैज ले सकते हैं, ब्लू टिक ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी मतलब फेमस पर्सनालिटी जिसका भी मतलब पेज मोनेटाइज हो गया वहाँ पे ब्लू टिक आ गया, तो आप ब्लू टिक ले सकते हैं। एंड ये एक्चुअली जो कॉस्ट है इंस्टाग्राम की तरफ से 699 रुपीज़ है फॉर 1 मंथ के लिए, 1 मंथ तक के लिए यह बैच रहेगा। 1 मंथ के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, रिन्यूअल कराते तो ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ये आपका रुक जाएगा। सिंपली यहाँ पर राइट साइड में टॉप में 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाना है मेटा वेरीफाइड पर, एंड कुछ सेकेंड के बाद में आपको यहाँ पर एक पेज खुल के आएगा। एंड अगर आपका डायरेक्ट मतलब आप खोलेंगे पेज तो वहाँ भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई कराने के लिए इंस्टाग्राम के तरफ से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैद अहमद पे मेरा ग्रीन टिक का बैज आ रहा है, इसको मुझे सब्सक्राइब करने के लिए 699 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जबकि इसका कोई मेरे हिसाब से कोई यूज़ नहीं है। अगर आपका फॉलोवर ज़्यादा नहीं है, अगर आपका फॉलोवर 20-25 हज़ार 50 हज़ार नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इसको यूज़ करके, क्योंकि आपका प्रमोट नहीं होगा ना पैसा भी आप और नहीं करेंगे, ओनली आपका ग्रीन बैज यहाँ पे एक्टिव रहेगा। तो इसको मैं टैप कर देता हूँ। यहाँ पे उसके अलावा एक और ऑप्शन आता है, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे एंड एक और अपडेट नया आया प्रोनाउंस करने का, कि आप अपने नाम के आगे प्रोनाउंस लगा सकते हैं, लाइक ही शी मिस्टर लगा सकते हैं, अपने नाम को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, किस तरह अपने नाम को प्रोनाउंस करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम जैद अहमद है तो मिस्टर जैद अहमद हो सकता है, तो कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। बाकी इस पर मैं एक एक्सपेंड वीडियो बनाऊंगा प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है एंड क्यों इंस्टाग्राम पे इसको इनेबल किया गया। राइट, इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है कोलैबोरेशन स्टेटस का, जैसा कि मेरा एक्टिव है, जब कोलैबोरेशन स्टेटस का मतलब ये होता है कि अगर आप अपना इसको ऑन रखेंगे तो कोई भी आपको आउटसोर्सेस आपको कनेक्ट करके, अगर आपके पेज पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर्स है तो कोई भी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे एंड अपना पेज या अपना बिजनेस वगैरह प्रमोट करके आपको ज़्यादा ज़्यादा अर्निंग करने का बेनिफिट आ सकता है। इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50 हज़ार सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, तो अगर मुझे अपना पेज कोई प्रमोट करना है तो मैं आपको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, अगर आपने कोलैबोरेशन एक्टिव किया तो कोई भी अदर का मतलब जो मतलब टीम है कंपनी है वो आपके साथ कोलैबोरेट करके बिजनेस साथ में कर सकती है। तो ये मैं एक्चुअली एक्टिव ऑन कर रखा हूँ, आप भी अपना इसको आप ऑन कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्शन बटन का, जिसको कि आपको एक्टिव करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको अपना मतलब नीचे आइए प्रोफाइल डिस्प्ले कॉन्टेक्ट हिडन, आपको यहाँ पे लेन कॉन्टेक्ट हिडन मतलब कि अपना नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई ईजिली मतलब कॉन्टेक्ट कर सके कॉन्टेक्ट ऑप्शन पर, जैसे कि बिजनेस ईमेल हो गया, बिजनेस फ़ोन नंबर या व्हाट्सअप बिजनेस फ़ोन नंबर डाल के, जिससे कि आपको कोई कॉन्टेक्ट करके आपके साथ कोलैबोरेट कर सके। राइट, तो इसको आप कर सकते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आया प्रोफाइल के साथ, कि जब आप किसी के प्रोफाइल पर टैप करते हैं तो देखते हैं कि दो दो वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आता है, जो दो डीपी आता है, एक तो आप अपना जो डीपी लगाते हैं वो डीपी शो करता है, दूसरा एक अवतार आता था, यहाँ आपके पास भी इनेबल हो चुका है। यहाँ पे क्रिएट अवतार पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट अवतार पे जाके आप अपने हिसाब से मैनुअली आप अवतार क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप पहले से कोई अवतार बनाओ उसको आप पिक करके आप अपना अपने प्रोफाइल डीपी में डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रहा, आप यहाँ पे बना के आप अपने अवतार के यूज कर सकते हैं। कोई भी आपके प्रोफाइल पे टैप करेगा तो आप पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर जो होगा वो दिखेगा, फिर दूसरा आपका जो अवतार आपने क्लिक किया है बनाया है जो आपने वो आपका एक्चुअली में वहाँ पे शो करेगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आया इंस्टाग्राम से एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।